बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये रात के बचे हुए चावल के कबाब। रात के बचे हुए चावल के कबाब, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1 कप चावल लिए हैं, 1 कप के करीब हैं ये। और ये 2 आलू मैंने बॉयल करके उसको कद्दूकस कर लिया मैंने। और ये शिमला मिर्च है ग्रीन, 2 टेबलस्पून के करीब है ये। और ये येलो भी 2 टेबल स्पून के करीब है, और रेड भी। ये तीनों शिमला मिर्च मैंने 2-2 टेबलस्पून के करीब ली है। और ये प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब है। और ये कैबेज है, बंद गोभी, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको बारीक बारीक कर लिया है। और ये हरा धनिया और पुदीना, ये दोनों मैंने 2 के काट के रख लिया। और ये हरी मिर्च है, और ये सारे स्पाइसेस में जाएंगे। वो क्या क्या जाएंगे मैं साथ साथ आपको बता दी जाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं इन चीज़ों को। अब देखें, सबसे पहले मैंने ये आलू इसमें डालने हैं, और उसके बाद ये सारी सब्जियां इसमें मैं ऐड कर दूंगी। वन बाय वन मैं इसको ऐड करती जाऊंगी। अगर आपके पास ये बंद गोभी नहीं है तो बेशक ना डालें, इतनी ज़रूरी नहीं है इसमें। ये हरी मिर्च चलेगी, और ये धनिया और पुदीना दोनों पत्तियाँ इसमें चलेगी। और स्पाइस में ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, और ये चिली फ्लेक्स है कुटी हुई सूखी मिर्च, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, सॉरी टीस्पून में डालूंगी इसमें। और ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें। और ये साबुत जीरा मसाला है, ये 2 टीस्पून में डालूंगी इसमें। और ये अदरक का पाउडर, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब है। और ये 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और ये चाट मसाला, और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें नमक हसबे जायका, जितना आप लोग खाते हैं, मैं 2 टीस्पून के करीब डालूंगी इसमें। और देखिए, अब इसको मैं ऐसे हाथों की मदद से इनको मिक्स करूंगी, इन सबको एक जैसा कर देना है। और फिर इसके बाद मैं इसके कबाब बनाऊंगी। और देखिए, ये मैं इसको हाथों की मदद से इतना मैंने मिक्स किया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, बस इतना सा। और आप इसको दोबारा से भी मैं ऐसे हाथ से, जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे इसको गूंदना है। और उसके बाद फिर मैं इसके कबाब बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और देखें, हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है, ऐसा होना चाहिए। और अब मैं इसके बनाऊंगी कबाब की शेप के। आप जो मर्जी शेप बना लें, चाहे गोल बना लें, चाहे लंबे बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं इसको, ये छोटा सा पेड़ा लेके इसको ऐसे करके हाथ की मदद से इसको प्रेस करके, और देखिए ये कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये तकरीबन 10 कबाब बने हैं, और ये 2 अंडे मैंने फेंट दिए हैं। और इसमें अब मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी अंडों में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको मैं ऐसे मिक्स करके, आप अंडों के बगैर भी इसको तल सकते हैं और अंडों के साथ भी तल सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों आपको करके दिखाऊंगी। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी पैन में, देखें। और देखें, अब मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ।
आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप ये बना के आपके घर जब कोई मेहमान आए आप बना के उनके सामने रखेंगे ना, तो वो एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे ये किस चीज़ के कबाब हैं, और आपसे रेसिपी लेके जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। इतने अच्छे बनते हैं ये, ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो जो मेरे चैनल देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए मैंने अभी सिर्फ चार डाले हैं, जब ये रेडी होंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए अब इसको मैं टर्न ओवर कर रही हूँ, और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा वरना ये टूट जाएंगे। और देखिए ये बन के रेडी हो गए हैं, और अब मैं इसको वन बाय वन निकालूंगी। और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करें जो भी ये देख रहा है, और मुझे ज़रूर बताना। और देखें हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे बने और इतने टेस्टी बने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने टेस्टी हैं ये, बहुत ही अच्छे हैं। और ये दो कबाब जो मैंने बनाए हैं बगैर अंडू के बनाए, जो लोग अंडा नहीं खाना चाहते वो बगैर अंडू के भी बना सकते हैं, देखें बगैर अंडू के कितने अच्छे बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो और मेरा ये आज का आइडिया अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।